Hi, my name is Abhijit and in this particular video, I will be answering how I became a Django developer and why I choose Django for backend development, why not Laravel, why not Node.js, why not Go and any of the other framework. I will be answering a lot of other questions that how you can become a Django developer. First of all, I was wondering when I was back in college, I was doing a lot of freelancing work and freelancing work करते करते मुझे समझ में आया freelancing से बहुत ज़्यादा एक अच्छा amount निकाल करके लाया जा सकता है। I used to create some websites using HTML, CSS। बहुत सारे developers या फिर बहुत सारे shopkeepers उन्होंने मुझे websites दी and मैंने उनके लिए website बनाई। At certain amount of time मुझे लगने लगा कि ये जो वेबसाइट है ये एक बहुत ज़्यादा स्टैटिक वेबसाइट है। अगर इसी शॉपकीपर को कोई डेटा लेकर के आना है, लेट्स सपोज उसको ऑनलाइन बुक करना है या फिर कुछ भी चीज़ें करनी, तो वो सिर्फ HTML CSS से नहीं हो पाएंगी। आई यूज्ड टू लर्न PHP बिकॉज उस टाइम पे कोई बताने वाले लोग नहीं थे। जो भी आप आसपास के लोग सराउंड करते हैं उन सबसे आप पूछते हो कि व्हाट शुड आई लर्न, सो उन लोगों ने कई लोगों ने मुझे बताया दैट यू कैन लर्न PHP, इट्स अ वेरी ग्रेट लैंग्वेज। सो मैं स्टार्ट करने लगा PHP एंड आफ्टर दैट आई वंडर एट लारावेल। लारावेल पे मैं आकर के गिरा एंड लारावेल पे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए एंड बहुत ज़्यादा उससे अमाउंट निकाला। आफ्टर लर्निंग लारावेल मुझे लगने लगा अच्छा है, लारावेल इज वेरी गुड फ्रेमवर्क, बट लारावेल की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है इन टर्म्स ऑफ बिग कंपनीज। लारावेल से मैं फ्रीलांसिंग तो कर सकता हूँ बट मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं ले सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड लर्निंग Django। फिर मुझे समझ में आया Django तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि Django कैसे लर्न करते हैं। देन आई केम अप अ चैनल दैट्स कॉल्ड कोड विद हैरी। उसके चैनल पे मैंने फ्लास्क के वीडियोस देखना स्टार्ट किए। उसके बाद में मुझे समझ में आ गया हाँ इस तरीके से चीजें काम करती हैं फ्लास्क के अंदर। अब मुझे कुछ गुड टू गुड आइडिया हो गया है कि कैसे चीजें काम करने वाली हैं। फिर मैं जब Django में एक कोड विद मैक्शिफर करके एक चैनल था जहाँ पे मैंने Django को बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न किया। फिर मुझे समझ में आया कि Django को कैसे एडवांस लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। मैं वहाँ पे एडवांस प्रोजेक्ट्स को बनाने लगा। जो कंटेंट मैं चाहता हूँ वो ज्यादातर वीडियोस के फॉर्म में है ही नहीं। देन स्टार्टेड माय ओन यूट्यूब चैनल। वहाँ पे मैंने बहुत सारे एडवांस स्टफ को बनाना स्टार्ट किया, रेडिस हो गया एंड आफ्टर दैट मुझे लगने लगा कि अब मैं Django के अंदर काफी ज्यादा फ्लुएंट हो चुका हूँ। उस टाइम पे मुझे लगने लगा कि मैं कंपनीज के लिए अप्लाई करूँ, बट जब भी मैं कंपनीज के लिए अप्लाई करता था तो फर्स्ट जो क्वेश्चन उनका निकल के आता था दैट दे गिव मी अ लिंक, जहाँ पे मुझे कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ता था। उसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे या फिर उसको आप क्लियर आउट करोगे तब आप जाकर के किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तब मैं वहां पे जाकर के ये सारी चीजें करने लगा। फिर मैं LeetCode पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगा, बट आफ्टर सॉल्विंग LeetCode क्वेश्चन मैंने 200 से 300 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करे। अब लगने लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग रिमोट डेवलपर जॉब बिकॉज मुझे घर में ही रहना बहुत ज्यादा पसंद है। पर्सनली पेरेंट्स के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं स्विच करूंगा, सो वो भी होगी रिमोट डेवलपर जॉब। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप Django को 2022 में मास्टर कर सकते हो। बहुत सारी कंपनी Django को यूज करती हैं एंड अगर आपको Django डेवलपर बनना है तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क के बैकग्राउंड से आते हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो फिर डायरेक्टली आप Django में जा सकते हो। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लास्क से स्टार्ट करो। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्लास्क में एक माइक्रो फ्रेमवर्क है बट Django एक बड़ा जाइगेंटिक फ्रेमवर्क है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, ठीक है, एडमिन पैनल हो गया, स्ट्रक्चर है फ्रेमवर्क का। बट फ्लास्क में आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको फिक्स urls.py करके बनानी है। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर main.py के अंदर पूरा अपना मॉडल्स भी लिख सकते हो, अपनी urls भी लिख सकते हो, अपना व्यू का भी लॉजिक लिख सकते हो। सो व्हाट आई विल रिकमेंड, अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो डेफिनेटली आप फ्लास्क के साथ जा सकते हो। 10 15 20 दिन तक लर्न करो एंड फ्लास्क के अंदर छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाओ। आपको समझ में आएगा कि ओके नाउ इट्स अ गुड टाइम, नाउ वी कैन मूव टू Django। एंड कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझको रीच आउट कर सकते हो। आप किसी भी मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट को मेल करता हूँ, चेकआउट करता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, DSA को डेफिनेटली अपना हथियार बनाओ क्योंकि उससे जब तुम चीजें करते हो ना एन नंबर ऑफ ग्रोथ तुम्हें निकल के आती है। अगर आज तुम 8 DSA कर रहे हो, आज तुम 0.0 पे हो, तो अगर तुमने 15 दिन DSA करे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम 15 पॉइंट आगे जा चुके हो। तो डेफिनेटली Django और DSA का कॉम्बिनेशन बना करके चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक चीज पे स्टक रहना है एंड Django इज नॉट वेरी टफ, Django इज वेरी इजी। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है इन जस्ट 6 मंथ। यहाँ पे आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है एंड द मिनिमम प्लेसमेंट दैट न्यूटन स्कूल इज ऑफरिंग दैट इज ऑल अबाउट 5 लाख LPA एंड ये अप टू जाता है 40 लाख। एंड न्यूटन स्कूल की बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी से टाई अप है जो कि आपको प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। जॉब नहीं लगती तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है, इट्स अ वेरी बेस्ट पार्ट। मतलब आपकी जब जॉब लग जाएगी तभी आपको अमाउंट पे करना है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो न्यूटन स्कूल के कोर्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।